हेलो एवरीवन, कैन यू हियर मी? मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? हेलो एवरीवन, कैन यू हियर मी? मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? सो स्टार्ट करते हैं। वेलकम। वेलकम एवरीवन टू योर यूपीएससी। ये मेरी फर्स्ट क्लास है तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी कनेक्ट होने में। हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस द सिलेबस। तो ये जो ज्योग्राफी है इसको अपन कंप्लीट करेंगे। सो वी विल डू ह्यूमन ज्योग्राफी, देन फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड सोशल ज्योग्राफी। ये अपन पूरा कंप्लीट करेंगे एंड दिस लेक्चर विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल द एग्जाम्स। सारे एग्जाम्स के लिए लेक्चर बेनिफिशियल होगा। जस्ट अ सेकेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस कि यूजीसी नेट के जो एग्ज़ाम है उसमें क्या क्या सिलेबस है अपना। सी, इसमें पूरा जियोमॉर्फोलॉजी है यूनिट वन में। यूनिट टू में वी हैव क्लाइमेटोलॉजी जिसमें पूरा एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन वगैरह इन सब के बारे में अपने को पता होना चाहिए। देन वी हैव यूनिट थ्री ऑफ ओशियनोग्राफी। देन इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी है। फिर पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी है जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है। देन इकोनॉमिक ज्योग्राफी पार्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एज वेल। देन उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी आ जाती है। सो वी विल कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी एज वेल। उसके बाद ये तो हो गया अपना यूजीसी नेट का सिलेबस। देन वी हैव यूपीएससी सीएसई जो जनरल स्टडीज है उसमें भी फिजिकल ज्योग्राफी आती है। सी, जो सिलेबस है वो सेम रहेगा, बस कुछ टॉपिक्स इंक्लूड हो जाएंगे कुछ ज्योग्राफी सेंट्रिक एग्जाम्स में, और जो जनरल स्टडीज के एग्जाम है उसमें कुछ टॉपिक्स अपन छोड़ देंगे, अवॉइड करेंगे। बाकी सारी चीज़ों का सिलेबस ये ही रहेगा। तो वी विल हैव फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में फर्स्ट वी हैव जियोमॉर्फोलॉजी, देन ओशियनोग्राफी, देन क्लाइमेटोलॉजी, एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर जिसमें स्टडी करना है, देन सॉयल ज्योग्राफी, वाटर रिसोर्सेज एक्सेट्रा। तो ये सारा है इसमें। ऑप्शनल्स में अपने फिजिकल ज्योग्राफी पूरी आती है। ऑप्शनल मैंने एक बार करवा रखा है बट वी विल अगेन डू इट। देन क्लाइमेटोलॉजी है अपने, बायोजियोग्राफी है, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी है। ह्यूमन ज्योग्राफी में पर्सपेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है जो कि अपने को ह्यूमन ज्योग्राफी के डेप्थ में लेके जाते हैं। सो वी विल कवर ऑल दीज थिंग्स। फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी है जिसमें काफ़ी सारी थ्योरीज भी आएंगी। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी है अपने। देन रीजनल प्लानिंग है। देन मॉडल्स आएंगे, फिर रिसोर्सेज आएंगी। सो लाइकवाइज जो ज्योग्राफी ऑप्शनल है उसमें भी काफ़ी सारा पार्ट है ज्योग्राफी का, अनलाइक जीएस में। ओके, जीएस में ज़्यादातर फिजिकल ज्योग्राफी है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्ज़ाम हैं अपने, जैसे आरपीएससी अभी कंडक्ट करने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पार्ट है ज्योग्राफी में। ये आप देख सकते हैं
पूरा इन डेप्थ इसमें एनालिसिस है जियोमॉर्फोलॉजी का, फिर क्लाइमेटोलॉजी, कुछ जो टॉपिक्स छोड़े हुए हैं वो इस तरीके से हैं दैट दे आर इंटरलिंक्ड विद द गिवन टॉपिक। ओके, तो जैसे एक टॉपिक अपने को दिया हुआ है और दूसरा छोड़ा हुआ है, पर उसको स्टडी करने के लिए, पहले वाले टॉपिक को स्टडी करने के लिए जो लेफ्ट ओवर टॉपिक है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये पूरा सिलेबस है। तो अपन ज्योग्राफी को पूरा इन डेप्थ से पढ़ेंगे इन लेक्चर्स में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जस्ट अ सेकेंड। सो अब अपन स्टार्ट करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी से। तो फर्स्ट अपना चैप्टर रहेगा इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन ज्योग्राफी। जस्ट अ सेकेंड। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन ज्योग्राफी सिलेबस अपन ने देख लिया, सो वी विल स्टार्ट डायरेक्टली। सी ज्योग्राफी, जैसा कि अपने को पता है, विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती गई, में एडवांसमेंट आते गए, जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, ज्योग्राफी हैज ऑल्सो इवॉल्व विद द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, तो इसका एवोल्यूशन इज एट पार विद द साइंस। जैसे जैसे साइंस इंक्रीज होगी, ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स भी अपन अलग अलग नज़रिए से देखेंगे विद द गिवन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो फिर अपना जो ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो इवॉल्व होते रहेंगे। नाउ ज्योग्राफी करेंटली अगर अपन देखें तो आप देखेंगे जो प्रेजेंट स्टेट है अपना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सबसे पीक पे है। तो इस टाइम ज्योग्राफी भी एक एक्साइटिंग पीरियड से गुजर रहा है। इसमें क्या है, अपने पास नई नई टेक्निक्स हैं, विद न्यू टेक्निक्स अपन नई नई चीज़ों को डिस्कवर करते हैं। ओके, जब अपन इन नई नई चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, अपन नए नए इन्वेंशंस करते हैं, नई नई थ्योरीज प्रोपाउंड करते हैं, तो क्या होता है, अपने को जो अपनी पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी थ्योरीज हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। सो वी आइडेंटिफाई दीज न्यू प्रॉब्लम्स। ओके, सो दीज न्यू प्रॉब्लम्स आर आइडेंटिफाइड। अब विद द गिवन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जो अपना नज़रिया अपना चेंज हुआ है, उससे अपन उस प्रॉब्लम को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ओके, एंड फिर उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड अपन फॉर्मुलेट करते हैं। गॉट द पॉइंट? सो करेंटली अपन नई नई प्रॉब्लम्स, पहले तो अपनी नई प्रॉब्लम्स इवॉल्व होती हैं, आइडेंटिफाई होती हैं, फिर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के नए नए मेथड्स भी इस टाइम पे अपने इवॉल्व हो रहे हैं। नाउ सी, ज्योग्राफी इन्वॉल्व्स अ वाइड रेंज ऑफ नॉलेज। अगर आप देखेंगे, ये सोशल साइंस है और ये अपने साइंस है। ओके, सो यहाँ पे ये जो एरिया है जो कि दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, इंटरैक्टिंग एरिया है, यहाँ पे आता है अपना ज्योग्राफी। क्योंकि ज्योग्राफी में अगर आप देखें तो सोशल साइंसेज वाले कॉन्सेप्ट्स भी हैं, जैसे कि अपन पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स लें, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स लें, सोशल कॉन्सेप्ट्स लें, कल्चरल कॉन्सेप्ट्स लें, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अलॉन्ग विद इट आप देखेंगे साइंस वाले कॉन्सेप्ट्स भी हैं, जैसे कि अपने बायो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हो गए, अपने इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें अपने पास या फिर अपने को दिखाती हैं या शो करती हैं दैट ज्योग्राफी इज अ सोशल साइंस एज वेल एज अ साइंस। ओके,
जस्ट अ सेकेंड. नाउ अब जो मेजर एरियाज हैं टू स्टडी ज्योग्राफी, वी हैव फिजिकल ज्योग्राफी. फिजिकल ज्योग्राफी जिसमें अपन फिजिकल वर्ल्ड को पूरा स्टडी करेंगे. ओके, जो अपना फिजिकल वर्ल्ड है, जैसे कि अपना एटमॉस्फेयर हो गया, बायोस्फेयर हो गया, पूरा लिथोस्फेयर हो गया, इन सारी चीज़ों को जब अपन स्टडी करेंगे, इट कम्स इन फिजिकल ज्योग्राफी. और उसके अलावा जब अपन ह्यूमन एस्पेक्ट को देखेंगे विद द ज्योग्राफी, अपन ह्यूमन एस्पेक्ट को देखते हैं, देन दैट पार्ट कम्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी. व्हाट द पॉइंट? दिस पार्ट कम्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी. अब फिजिकल ज्योग्राफी अपने को अभी नहीं करना है, सो वी विल स्टार्ट विथ ह्यूमन ज्योग्राफी. सो स्टार्टिंग विथ ह्यूमन ज्योग्राफी, नाउ सी ह्यूमन ज्योग्राफी, इट डील्स विद द स्पेशियल डिफरेंशिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज विद द यूज ऑफ फिजिकल एनवायरमेंट. सी ये अपनी अर्थ है, जस्ट अ सेकेंड, लेट्स से ये अपनी अर्थ है. ओके, इसको अपन चार पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. ये डिफरेंट डिफरेंट स्पेसेस हैं. लेट्स से दिस इज द डेजर्ट एरिया, दिस इज फर्टाइल प्लेन, दिस इज आर माउंटेनस एरिया, माउंटेनस एरिया, एंड दिस इज ओशन पार्ट. ओके, या कोस्टल एरिया. सो अपने डिफरेंट स्पेसेस हो गई. नाउ इन डिफरेंट स्पेसेस में डिफरेंट रिसोर्सेज होंगी. अब ये जो रिसोर्सेज हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट स्पेसेस, ह्यूमन ह्यूमन ने जो अपने फिजिकल एनवायरनमेंट में जो रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से यूज़ किया है, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है अकॉर्डिंग टू दीज रिसोर्सेज एंड दीज दिस एनवायरनमेंट, ये अपन स्टडी करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में. हेयर यू सी देर आर पीपल ऑफ डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग हैं, विच हैव ऑब्वियसली कम फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट एरियाज से आए ये. इनके पास अलग अलग टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं. जैसे लेट्स से ये प्लेन एरिया से हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, डी, ई. ओके, ये प्लेन एरिया से हैं, तो इनके पास क्या होगा, प्लेंटी ऑफ लैंड, सॉयल, सॉयल, ट्रीज, वाटर, एट्सेट्रा. ओके, ये ए है, ये डेजर्ट एरिया से है, तो इनके पास लेट्स से ऑयल है. ओके, देन दिस वी हैव, ये किसी फॉरेस्ट एरिया से बिलोंग करते हैं, तो इनके पास फॉरेस्ट बहुत सारा है, दैट मीन्स टिम्बर वगैरह इनके पास बहुत सारे हैं. ओके, ये किसी ऐसे लैंड से बिलोंग करते हैं जहाँ पे मिनरल्स वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत मिलती हैं, सो यहाँ पे मिनरल्स हैं. ओके,
सो ये डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के लोग हैं या फिर डिफरेंट एरियाज के लोग हैं जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज पाई जाती हैं, तो ऑब्वियसली इनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी या जो भी एक्टिविटीज़ होंगी दे विल डिपेंड ऑन द एरिया वेयर दे आर लिविंग, जहाँ पे वो रह रहे हैं, प्लस द रिसोर्सेज दैट दे हैव. ओके, गॉट द पॉइंट. इन सारी चीज़ों के अलावा देर आर टू मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि होनी चाहिए उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो कल्चर है, जस्ट अ सेकेंड, आपका जो कल्चर है, आपका कल्चर इस चीज को परमिट करना चाहिए दैट यू कैन यूज दोज रिसोर्सेज. जैसे नागाज हैं अपने, नागा एक ट्राइब है, वहां पे जो एनिमल का मिल्क होता है, ओके, जैसे काओ बफलोस का इनका मिल्क होता है, ये या डेयरी प्रोडक्ट आप यूज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट कंज्यूम दीज डेयरी प्रोडक्ट्स. तो फिर अगर उनके पास एनिमल रिसोर्स हुआ भी तो भी वो उसका फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, ओके, फुल यूज नहीं होगा. सो दिस इज द कल्चरल कंस्ट्रेंट. सबसे पहले कल्चर आपका परमिट करना चाहिए. सेकेंड थिंग इज टेक्नोलॉजी. जैसे आपके पास ऑयल रिजर्व्स तो है, फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका इज अ वेरी रिसोर्स रिच रीजन, एज पर नाउ इट इज वेरी रिसोर्स रिच रीजन, बट जो यहाँ के लोग हैं, जो नेटिव्स हैं, दे हैव नो आइडिया अबाउट द रिसोर्सेज, लेट्स से, ओके, उनके पास रिसोर्सेज का कोई आइडिया नहीं है एंड दे डू नॉट हैव दैट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दोज रिसोर्सेज, ओके, तो उनके लिए भी ये जो रिसोर्सेज हैं ये किसी भी काम की नहीं है. गॉट द पॉइंट. तो कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए आपका, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए आपकी रिसोर्सेज, ओके, तो वो सारी जो चीज़ें हैं जो कल्चरली एक्सेप्टेबल हैं, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हैं, जो आपके स्पेस में है, उसके अकॉर्डिंग जो आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ डिफाइंड है या ऑर्गेनाइज की हुई है, वो सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी में. गॉट द पॉइंट. नाउ सी, हेयर यू विल सी, ये अपना फिजिकल एनवायरनमेंट है, ये ह्यूमन ज्योग्राफी ये सारे साइंसेस को कवर करता है. यहाँ पे आप डेमोग्राफी देखेंगे, देन वी हैव फिजिकल ज्योग्राफी, आप बायोलॉजी देखेंगे, देन वी हैव बायो ज्योग्राफी, आप एनवायरनमेंट देखेंगे, देन वी हैव एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स देखेंगे, देन वी हैव पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स देखेंगे, इकोनॉमिक ज्योग्राफी. सो ज्योग्राफी का बहुत ही वास्ट एरिया है और ये सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है. नाउ ह्यूमन ज्योग्राफी का अपने को आइडिया लग गया दैट व्हाट एग्जैक्टली इज ह्यूमन ज्योग्राफी. नाउ वी विल लुक इनटू स्कूल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. सी, इसको अभी अपन ओवरव्यू लेंगे बिकॉज इन द लेटर पार्ट ऑफ द लेक्चर वी आर डिस्कसिंग दीज टर्म्स. फर्स्ट वी हैव डिटर्मिनिज्म, डिटर्मिनिस्टिक स्कूल ऑफ ज्योग्राफी. देन वी हैव पॉसिबिलिस्टिक स्कूल ऑफ ज्योग्राफी. डिटर्मिनिस्टिक स्कूल ऑफ ज्योग्राफी इट सेज दैट ह्यूमन इज अ पैसिव एजेंट वर्किंग अकॉर्डिंग टू नेचर. ओके, तो जो नेचर कहता है वो ह्यूमन करता है. वॉट एवर नेचर इज प्रोवाइडिंग, नेचर ने जो रिसोर्सेस प्रोवाइड किए हैं, नेचर ने जो रिसोर्सेस प्रोवाइड किए हैं आपको, उसके अकॉर्डिंग जो आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं दे ऑल आर कंट्रोल्ड बाय फिजिकल एनवायरनमेंट. ओके, एंड टू सम एक्सटेंट दिस इज ट्रू बिकॉज अगर आपके पास वो रिसोर्सेज ही नहीं है, वो रिसोर्सेज ही नहीं है, देन आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज कैसे उस रिसोर्स पे बेस हो सकती हैं. ओके, सो आपके पास वो रिसोर्सेज होने चाहिए और उन रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज कंट्रोल होंगी. ओके, सो दीज डिटर्मिनिस्टिक पीपल या डिटर्मिनिस्टिक स्कॉलर्स ये इस व्यू में थे दैट एवरीथिंग दैट अ मैन इज डूइंग वो सारी चीजें
इन्वायरमेंट या जो फिजिकल इन्वायरमेंट है अपना वो कंट्रोल कर रहा है. ओके, देन नेक्स्ट भी आता है अपना पॉसिबिलिज्म. पॉसिबिलिज्म में जो ह्यूमन है उसको एक एक्टिव एजेंट की तरह ट्रीट किया गया है. ओके, तो डिटर्मिनिस्टिक वॉज सेइंग दैट कि पूरा का पूरा जो है नेचुरल इन्वायरमेंट, जितना भी डेवलपमेंट हुआ है वो फिजिकल इन्वायरमेंट की वजह से ही हुआ है. सो पॉसिबिलिज्म ये बोलता है कि दिस इज ट्रू दैट नेचर ने हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं, बट इन रिसोर्सेज को यूज या फिर अपने को, जस्ट अ सेकेंड, नेचर ने अपने को एलिमेंट्स या फिजिकल एलिमेंट्स प्रोवाइड किए हैं लेट्स से, और इन चीजों को यूजफुल रिसोर्सेज बनाने के लिए यूजफुल रिसोर्सेज में कन्वर्ट करने के लिए जो साइंस, जस्ट अ सेकेंड, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपन यूज कर रहे हैं दैट इज बॉर्न फ्रॉम ह्यूमन ब्रेन. ओके, दैट इज बॉर्न फ्रॉम ह्यूमन ब्रेन. तो ये जो थे ये दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, दो मेन स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, दे आर नॉट द ओनली स्कूल ऑफ थॉट्स. इसके अलावा भी बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के, बट ये हैं जो मेन हैं, डिटर्मिनिस्टिक एंड पॉसिबिलिस्टिक. डिटर्मिनिस्टिक जो अप्रोच है उसके मेन प्रोपोनेंट्स हैं इमैनुअल कांट, फ्रेडरिक रेट्जल एक्सेट्रा. देन पॉसिबिलिज्म में है वी हैव विडाल्डी लाब्लास, वी हैव जीन ब्रून, सैमुअल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, नाउ ये तो थे स्कूल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. नाउ वी हैव अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. सी, इन अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी आप देखेंगे वी हैव टू अप्रोचेज. फर्स्ट इज रीजनल अप्रोच, सेकेंड वी हैव इज सिस्टमैटिक अप्रोच. रीजनल अप्रोच क्या है, लेट्स से ये जो ब्लॉक्स हैं ये रीजन है, लेट्स से ये ए रीजन है, देन वी हैव बी सी डी ई, और ये जो ह्यूमन है ये 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा. ओके, तो अब क्या है रीजनल अप्रोच में आप पूरे एक रीजन की स्टडी करते हो, तो द होल रीजन इज स्टडीड. ओके, दिस होल रीजन इज स्टडीड, इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट, इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इसका ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें स्टडी की जाएंगी, एंड देन वी विल हैव, इनका समअप होगा, इनकी समरी होगी. और ये जो समरी है, ये जो समरी है, दिस विल कम इन रीजनल स्टडीज. लेट्स से जो वन है वो एक ज्योग्राफर है, या लेट्स से वो इकोनॉमिस्ट है. ओके, वो एक इकोनॉमिस्ट है और वो ए रीजन को स्टडी करता है. ओके, तो उसे ए रीजन को स्टडी करने के लिए व्हाट विल ही हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट स्टडी करना पड़ेगा, पॉलिटिकल एस्पेक्ट स्टडी करना पड़ेगा, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट स्टडी करना पड़ेगा. तो वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट तो बहुत ढंग से स्टडी कर लेगा बिकॉज इट इज हिज सब्जेक्ट. ओके, ये उसकी सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स वाला इकोनॉमिक्स अच्छे से स्टडी कर लेगा. बट जब पॉलिटिकल साइंस की बात आएगी, जब ज्योग्राफिकल साइंस की बात आएगी, तो ये उसके साथ पूरा जजमेंट नहीं कर पाएगा, पूरा जस्टिस नहीं कर पाएगा. वाई, बिकॉज ही इज इकोनॉमिस्ट. तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट तो वो बहुत ढंग से स्टडी कर लेगा, बट पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट में वो इतना ढंग से स्टडी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये उसके नॉलेज के सब्जेक्ट्स नहीं है. ओके, तो ये होता है रीजनल अप्रोच में. देन वी हैव सिस्टमैटिक अप्रोच. नाउ सी, सिस्टमैटिक अप्रोच में क्या है, ये रोज एंड कॉलम्स आपको दिख रहे हैं. यहाँ पे अपन लेंगे जैसे लेट्स से पॉलिटिकल एस्पेक्ट, देन वी हैव इकोनॉमिक एस्पेक्ट, देन वी हैव ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट. ये रिसर्चर्स हैं, ये रीजन है ए बी सी डी ई. ओके, नाउ जो अपना फर्स्ट स्कॉलर था वो सारे इकोनॉमिक एस्पेक्ट या फिर सारे रीजन्स के इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को स्टडी कर लेगा. ओके, सारे रीजन के इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को स्टडी कर लेगा और वो इन सबके साथ जस्टिस करेगा बिकॉज दिस इज हिज सब्जेक्ट. ओके,
ये उसके सब्जेक्ट में आता है, ओके और फिर जैसे लेट से टू इज अ ज्योग्राफर, वो ए बी सी डी सारे रीजन्स के ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट को स्टडी करेगा, देन समवन एल्स विल स्टडी द पॉलिटिकल एस्पेक्ट. नाउ वी विल सी दैट जब ये सारी चीजें होंगी तो एक क्वालिटेटिव समरी निकल के आएगी. नाउ यू कैन ऑल्सो आप इन्हीं सिस्टमेटिक से ही आप समराइज करके रीजनल स्टडी भी कर सकते हैं, ओके और ये रीजनल स्टडी जो होगी वो फुली जस्टिस करेगी सारे पार्ट्स को, ओके सिस्टमेटिक स्टडी से आप आराम से रीजनल स्टडी भी कर सकते हैं. नाउ यू विल सी दैट सिस्टमेटिक अप्रोच जो है वो ज्यादा इजी और ज्यादा एक्सेसिबल अप्रोच है. दैट इज वाई आप देखेंगे कि ये जो रीजनल अप्रोच था ये 1950s तक ही पॉपुलर था, बिकॉज दैट वॉज द टाइम ऑफ क्वांटिटेटिव, वो एक क्वांटिटेटिव पीरियड था, ओके नाउ सिस्टमेटिक अप्रोच ये आया था क्वालिटेटिव एरा में, ओके क्वालिटेटिव जब टाइम चल रहा था, दैट पीपल बिलीव्ड इन क्वालिटी ऑफ अ स्टडी, ओके कोई भी चीज हो उसकी क्वालिटी कैसी है दैट वॉज मोर इम्पोर्टेंट फॉर देम. तो जो सिस्टमैटिक स्टडी है, सिस्टमैटिक अप्रोच है, ये 1950s के बाद पॉपुलर हुआ बिकॉज ऑफ क्वालिटी कंटेंट. आगे चलते हैं, रीजनल स्टडी अपना यहीं पे खत्म हो जाता है. आगे आता है अपना सिस्टमैटिक एरियाज ऑफ स्टडी. तो इन सिस्टमैटिक एरियाज ऑफ स्टडी वी हैव सोशल इंटरेक्शन इन द स्पेस एंड देन वी हैव इकोनॉमिक ज्योग्राफी. ओके सबसे पहले सोशल इंटरेक्शन या फिर सोशल ज्योग्राफी, देन नेक्स्ट वी हैव इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी. अब ये जो सोशल ज्योग्राफी अपनी, सॉरी ये रॉन्ग पीपीटी बन गया, सोशल ज्योग्राफी है, इसमें क्या है अपन जो ह्यूमन है, जस्ट अ सेकेंड, ह्यूमन है हाउ ही इज इंटरैक्टिंग विद हिज सोशल स्पेस, सोशल स्पेस से या जो एरिया है इन विच ही इज रिसाइडिंग उसमें वो कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, ह्यूमन का पूरे जो बाहर का एनवायरनमेंट है उससे इंटरैक्शन किस तरीके का है, ये अपन सोशल ज्योग्राफी में देखेंगे. इसमें अपन देखेंगे कि कैसे उसका कल्चर डेवलप हो रहा है, कैसे ट्रेडिशन डेवलप हो रहा है, कैसे उनके ऑक्यूपेशंस है, कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस है अकॉर्डिंग टू देयर सोसाइटी. ओके नेक्स्ट आता है अपना इकोनॉमिक ज्योग्राफी. इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आएगा अपना, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में देखेंगे अपन एक एरिया में जो रिसोर्सेज हैं उनका किस तरीके से यूटिलाइजेशन कर रहा है ह्यूमन, दैट विल बी स्टडीड इन इकोनॉमिक ज्योग्राफी. इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए एंड बी, ये दोनों एक ही एरिया में रह रहे हैं, ओके देन वी हैव अनदर वन सी. ओके अब ए और बी एक ही एरिया में है, लेट से ये दोनों एरिया नंबर वन में है एंड सी इज इन डिफरेंट एरिया. अब ए जो है उसके पास रिसोर्सेज हैं, ही हैज फॉरेस्ट, ओके वाटर, सॉयल, ओके फॉरेस्ट वाटर सॉयल ये सारी चीजें हैं इसके पास. एंड देन बी के पास भी फॉरेस्ट वाटर सॉयल ये सब होगा, ओके बिकॉज दे आर इन सेम रीजन. सी के पास लेट से ऑयल है, तो इसका तो ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो गया सी का. नाउ सी, ए और बी ये दोनों एक ही एरिया में रह रहे हैं, बट देयर बिहेवियर एंड कल्चरल एस्पेक्ट,
ये डिसाइड करेगा कि ये इस रिसोर्सेस को कैसे यूज करेंगे. लेट्स से ए किसी एक्स कम्युनिटी से बिलोंग करता है एंड बी ये किसी वाई कम्युनिटी से बिलोंग करता है. तो जो एक्स कम्युनिटी है वो कल्टीवेशन या फार्मिंग को अलाउ नहीं करती. ओके तो ये जो लोग होंगे ये टिम्बर को कलेक्ट करेंगे. ओके टिम्बर को कलेक्ट करेंगे और उनको बेच के आएंगे मार्केट में, या फिर ये जो भी चीज़ें हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनके कुछ यूज़फुल जड़ी बूटियाँ मेडिसिन्स एंड ऑल बनाएंगे जिनको ये मार्केट में दे के आएंगे. ये सारी चीज़ें ये लोग करेंगे. और जो बी है ये लोग क्या करेंगे, बिकॉज दे हैव सॉयल एंड वाटर ये लोग फार्मिंग करेंगे. ओके तो बिहेवियर और कल्चर पे भी डिपेंड करता है दैट आप क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी चूज करोगे. ओके इट इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन कि आपका रीजन क्या है. ठीक है आगे आते हैं. ये हो गया, ये तो था अपना बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. अब अपन दूसरे टॉपिक पे आते हैं जो कि है डाइकोटोमी. डाइकोटोमी में अपन डिफरेंशिएशन और एक एनालिसिस, डिफरेंशियल एनालिसिस या आप कह सकते हैं डिफरेंशिएशन करेंगे और एनालाइज करेंगे इन दोनों एस्पेक्ट्स को. ओके इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस देखेंगे, इनकी सारे कॉन्सेप्ट्स को इन डेप्थ स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच. नाउ सी डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच के अकॉर्डिंग जो भी अपने को फिजिकल एनवायरनमेंट, ये अपना फिजिकल एनवायरनमेंट है, इसने अपने को रिसोर्सेस प्रोवाइड किए हैं एंड इस रिसोर्सेस को यूज करने के लिए जो भी अपने कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं ये फिजिकल एनवायरनमेंट ही अपने को कंट्रोल कर रहा है. ओके जो भी अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही हैं वॉट एवर वी आर डूइंग, चाहे कितना भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो वो किसकी वजह से है, फिजिकल एनवायरनमेंट की वजह से. ओके ये कॉन्सेप्ट है डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच का. अब अपन इसके डिटेल में स्टडी करते हैं. डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच लुक्स इन टू द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. सबसे पहले तो उसे एक पैसिव एजेंट माना गया है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन इज अ पैसिव एजेंट दैट इज कंट्रोल्ड बाय हिज फिजिकल एनवायरनमेंट. तो उसका जो भी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होगा, इमोशनल एस्पेक्ट होगा, सोशल बिहेवियरल फिजिकल या मेंटल एस्पेक्ट होगा, ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी ऑन द इन्वायरमेंट इन विच द पर्सन लिव्स. ओके तो जैसे अगर अपन देखें सोशल एस्पेक्ट, आप देखेंगे जो रिसोर्स लेस रीजन होते हैं जहाँ पे स्कार्सिटी ऑफ फूड होती है वहाँ पे लोग एक कम ग्रुप में रहते हैं, बहुत कम लोग एक साथ रहते हैं. ओके जो क्लांस होता है जैसे आप बुशमैन वगैरह देखेंगे ये इन लोगों का ग्रुप बहुत ही छोटा होता है, एज कम्पेयर टू अगर आप पिगमीज वगैरह या फिर एक सोशल ग्रुप जो कि फर्टाइल एरिया में कोई ट्राइब है तो उनका ग्रुप कंपैरेटिवली बड़ा होगा जिसमें ज्यादा मेंबर्स होंगे. ओके ये तो हो गया सोशल स्ट्रक्चर. बिहेवियर आप देखेंगे डेजर्ट रीजन में रहने वाला आदमी वो थोड़ा एग्रेसिव होगा बिहेवियर में. व्हाई? बिकॉज उसके पास रिसोर्सेस कम है सो ही हैज टू फाइट फॉर द रिसोर्सेस. ओके तो उसका नेचर ही एग्रेसिव हो जाता है. देन सेकेंडली आप देखेंगे अगर कोई प्लेन एरिया में रह रहा है कोई इंसान तो उसके पास प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज उसके पास खूब सारे हैं. सो
उसका जो मेंटेलिटी होगी, उसका जो बिहेवियर होगा वो प्लेजेंट होगा, प्लीजिंग बिहेवियर होगा. ओके, फिजिकल स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो वेरीड बाय द फिजिकल एनवायरमेंट इन विच वी लिव. ओके, जैसे आप देखेंगे, लेट्स से यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज में लोग कंपैरेटिवली लंबे होते हैं. ओके, देयर स्किन टोन इज ऑल्सो डिफरेंट, हेयर कलर इज ऑल्सो डिफरेंट. फिर अपन देखेंगे एशियन कंट्रीज में लोग, लेट्स से जैपनीज पीपल, जैपनीज पीपल का स्किन टोन डिफरेंट होगा, ये पेल होंगे. ओके, देन हेयर इनका डिफरेंट होगा, जैसे यहाँ पे आपको रेड एंड वेवी हेयर्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको मिलेंगे स्ट्रेट ब्लैक हेयर्स. ओके, तो इस तरीके से जो फिजिकल अपीयरेंस होगा या फिजिकल स्ट्रक्चर होगा वो भी डिफरेंट होगा. जैसे माउंटेनस एरिया में अगर आप देखेंगे तो लोगों के आर्म्स और लेग्स ये काफी स्ट्रांग होते हैं क्योंकि उन्हें माउंटेन्स पे चढ़ना पड़ता है. प्लेन एरिया में लोगों के ये चीजें वीक हैं, कंपैरेटिवली वीक हैं एज कंपेयर टू द माउंटेन पीपल. अगर कोस्टल एरियाज की बात करें तो ये लोग फ्रीक्वेंटली पानी के अंदर जाते हैं, बिकॉज ऑफ विच देयर लंग इज स्ट्रोंगर. आपको एक ट्राइब के बारे में पता होगा शायद, वी हैव सी ड्वेलर्स नाम से एक ट्राइब है. ये लोग अपना ज्यादातर टाइम पानी में ही बिताते हैं, तो देयर आईज आर मॉडिफाइड कि वो मरीन वाटर में भी उनकी आंखें काफी देर तक खुली रख सकते हैं, वो काफी ज्यादा टाइम तक पानी के अंदर रह सकते हैं. ओके, तो ये जो सारी चीजें हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय द एनवायरमेंट. और ये जैसे जैसे आपका नेचुरल एनवायरमेंट चेंज होगा, आपके बिहेवियर, आपके जो सारे एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सब में चेंजेस आएंगे. अब एक ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच. सो फर्स्ट अटेम्प्ट डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच को करने का किया था ग्रीक एंड रोमन स्कॉलर्स ने. ग्रीक एंड रोमन स्कॉलर्स जिसमें हिपोक्रेटिस थे, एरिस्टोटल थे, स्ट्रैबो एटसेट्रा. नाउ सी, जो स्ट्रैबो थे ऑब्वियसली ही वॉज अ रोमन, वो रोमन थे, तो उन्होंने जो रोमन लोगों की ग्रेटनेस है उसको एक्चुअली एक्सप्लेन किया था, उनकी माइटीनेस, उनकी ग्रेटनेस को एक्सप्लेन किया था विद द रिलेशन टू फिजिकल एनवायरनमेंट. ओके, व्हाई ये रोमन लोग हैं वो इतने ग्रेट हैं, इतने माइटी हैं, इतने स्ट्रांग हैं. देन नेक्स्ट आते हैं अपने एरिस्टोटल. एरिस्टोटल ने डिफरेंस बताया था नॉर्थ यूरोपियंस और एशियंस के बीच में, नॉर्थ यूरोपियंस और एशियन के बीच में. तो उन्होंने क्या कहा था कि नॉर्थ यूरोप का क्लाइमेट कोल्ड है, कोल्ड क्लाइमेट है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे क्या होते हैं, ब्रेव होते हैं, पर उनमें इंटेलिजेंस की कमी होती है, इंटेलिजेंस की कमी होती है इन लोगों में. वेयर एज एशियन, ये लोग क्या हैं, ये एक वार्मर कंडीशन में रहते हैं, तो ये लोग थोड़े से लेथार्जिक होते हैं, लेजी होते हैं. तो ये लोग बिकॉज दे आर ब्रेव तो दे आर बॉर्न टू बी रूलर्स, और ये लोग लेजी हैं इस वजह से दे आर फोर्स टू बी, या फिर दे आर सब्जेक्टेड टू स्लेवरी. गॉट द पॉइंट? ये तो थे अपने ग्रीक और रोमन स्कॉलर्स. इनके अलावा अपने काफी अरब स्कॉलर्स हैं, जैसे कि अल बरूनी, अल मसूदी एक्सेट्रा, अल अदरस. ये सारे जो स्कॉलर्स हैं इन्होंने क्या किया था, दे ट्राइड टू डिवाइड द वर्ल्ड इंटू सेवन किश्तवाड़.
सेवन किस्तवार्स क्या है? किस्तवार इज एक्चुअली अ टेरेस्ट्रियल जोन. तो टेरेस्ट्रियल जोन में क्लाइमेटिक फैक्टर, जियोमॉर्फिक फैक्टर, ये सारी चीज़ें आ गई. ओके तो सेवन क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया था, और उन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की थी फिजिकल और कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स रेसेस की. ओके कि रेसेस की फिजिकल और कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स उनके टेरेस्ट्रियल या फिर अलग अलग किश्तवाड़ में अलग अलग लोग, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक वाले लोग, अलग अलग कल्चर वाले लोग कैसे डिफर कर रहे हैं. ओके कैसे उनका कल्चर डिफर कर रहा है विद द डिफरेंस इन एरिया. ओके जैसे ये लोग हैं तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक या कल्चरल सेटअप ये कैसे डिफरेंट है फ्रॉम द अदर. ओके ये सारी चीज़ें इन्होंने स्टडी की थी. देन वी हैड कार्ल रिटर. कार्ल रिटर ने एक्चुअली, ये एक लीडिंग ज्योग्राफर थे, जर्मन ज्योग्राफर. इन्होंने एक एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच अपनाई और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ज्योग्राफिकल डिटर्मिनिज्म इन 19th सेंचुरी. ओके ज्योग्राफिकल डिटर्मिनिज्म 19th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुआ था कार्ल रिटर के थ्रू. तो मॉडर्न एरा में जब अपन आते हैं तब अपन देखेंगे ये अपने मॉडर्न स्कॉलर्स हैं. ओके देन एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ये फाउंडर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी हैं, और इन्होंने मोड ऑफ लाइफ ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ माउंटेनस एरिया को डिफर किया था. मतलब कि पहाड़ पे रहने वाले लोग कैसे डिफरेंट हैं, उनका मोड ऑफ लाइफ, उनका कल्चर वगैरह ये सब कैसे डिफरेंट है प्लेन पे रहने वाले लोगों से, ये इन्होंने, इसकी इन्होंने स्टडी की थी. तो माउंटेन और प्लेन पे रहने वाले लोगों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं ये इन्होंने स्टडी किया था. लास्टली वी हैव चार्ल्स डार्विन. चार्ल्स डार्विन बेसिकली ये ज्योग्राफर नहीं है, ये एक साइंटिस्ट हैं, पर इनकी जो थ्योरी थी आपने बायोलॉजी में पढ़ी होगी, सो ये बायोलॉजी से रिलेटेड स्कॉलर हैं. तो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो एग्जैक्टली डिटर्मिनिस्टिक बेसिस पे नहीं दिया था, बट जो इनका कॉन्सेप्ट था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच को अप्रूव करता है. ओके दैट इज वाई जो चार्ल्स डार्विन है उनकी जो थ्योरी है उसको डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच में लिया जाता है. उन्होंने एक्चुअली, आपको पता हो तो डार्विन फिंचेस, उन्होंने देखा था ये बर्ड्स जो हैं डिफरेंट एरिया के अकॉर्डिंग इनकी बीक, जो इनकी चोंच है वो मॉडिफाई हो गई है अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज. जो इनके पास रिसोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग इनकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मॉडिफाई हो गई हैं. ओके तो इन्होंने ये बोला था जो स्पीशीज हैं वो इवॉल्व करती हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट. जैसा उनका एनवायरनमेंट होगा वैसा ही उनका, वैसा ही वो अपने आप को इवॉल्व करेंगी, और जो अपने को इवॉल्व नहीं कर पाएगा दैट स्पीशीज विल वैनिश अवे. ओके तो ये थे डार्विन फिंचेस. इन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का थ्योरी दी थी. ओके तो इनकी जो थ्योरी का नाम था वो था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज. गॉट द पॉइंट? आगे चलते हैं. जो अपनी न्यू डिटर्मिनिज्म है, पहले आएगा अपना न्यू डिटर्मिनिज्म. न्यू डिटर्मिनिज्म ये रेडजेल ने दिया था. इसमें क्या है, जो डार्विन की जो थ्योरी थी उसको ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट में लाने की कोशिश की गई है. ओके सो इसमें एलिमेंट ऑफ सोशल डार्विनिज्म है. तो रेडजेल जो थे वो डार्विन के फॉलोअर थे और ये भी बिलीव कर लेते थे इन सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, और मैन जो है वो एंड प्रोडक्ट है एवोल्यूशन का. ठीक है, जो मैन है ये देखते थे कि मैन जो है वो एवोल्यूशन का एंड प्रोडक्ट है. ऑब्वियसली मैन हैज मॉडिफाइड हिमसेल्फ, एंड इफ नॉट हिमसेल्फ ही हैज मॉडिफाइड हिज सराउंडिंग. अपनी सराउंडिंग को उसने मॉडिफाई कर दिया है अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स. जैसे ज्यादा गर्मी होती है, इन हॉट वेदर्स वी एक्चुअली स्विच ऑन एसी. ठीक है, जिससे
अपने को ज़्यादा गर्मी नहीं लगे, ओके? इन कोल्ड हीटर्स हैं अपने पास, तो अपन ने, अगर अपन अपने आप को मॉडिफाई नहीं कर पा रहे, तो ह्यूमन ने अपनी सराउंडिंग्स को मॉडिफाई करने के लिए अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इतना इंक्रीज कर लिया है, ओके? गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? तो ये था रेड सेल का कॉन्सेप्ट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू रेड सेल, ये भी एक नेचुरल सिलेक्शन टाइप प्रोसेस है, जिसमें फिजिकल एनवायरनमेंट एक डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है। जो लोग या फिर लेट से जो स्पीशीज अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं कर पाती है, वो खत्म हो जाती है। और मैन क्या है, ये अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर रहा है, दैट इज व्हाई ही इज सर्वाइविंग। तो जो न्यू डिटर्मिनिज्म है, उसमें मैन का थोड़ा सा रोल ज्यादा कर दिया गया है, बिकॉज मैन इज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ, वो अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा है अकॉर्डिंग टू फिजिकल एनवायरनमेंट। पर ये जो सारी चीजें हैं, दैट आर कंट्रोल्ड बाय द फिजिकल एनवायरनमेंट ओनली। जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं अपने, वो है नियो डिटर्मिनिज्म, कल्चरल एंड सोशल डिटर्मिनिज्म, साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ये अपन एक बार पॉसिबिलिज्म को पढ़ने के बाद में फिर इन कॉन्सेप्ट्स पे आएंगे, ओके? तो पॉसिबिलिज्म ये एक रिएक्शन की तरह डेवलप हुआ था, ओके? क्योंकि एक्सट्रीमली जनरलाइज कर दिया था इन्वायरमेंट को, कि इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग। ह्यूमन ने जो किया है अब तक, इट इज नेग्लेजिबल। ये और ये जो सब किया है ह्यूमन ने, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय एनवायरमेंट, ओके? ये था डिटर्मिनिस्टिक लोगों की थिंकिंग, ओके? तो जो पॉसिबिलिस्ट है, जो पॉसिबिलिज्म को फेवर करते हैं, उन्होंने बोला, वेट, ये आप क्या बोले जा रहे हैं, दैट फिजिकल एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग। जो भी हमने अभी तक किया है, कितने इन्वेंशंस हुए, कितने एवोल्यूशंस हुए, इन सब में फिजिकल एनवायरनमेंट ने अपना, जो भी अपने हमें कंट्रोल किया है, दिस इज नॉट डन। इन्होंने इस डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। दे सेड दैट हमने माना कि फिजिकल एनवायरनमेंट ने हमें रिसोर्सेस प्रोवाइड किए हैं, रिसोर्सेस नो डाउट फिजिकल एनवायरनमेंट ने प्रोवाइड किए हैं, बट अगर उससे आगे देखा जाए, सो द साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू मेक दीज रिसोर्सेज एक्सेसिबल, इनको एक्सेसिबल बनाने के लिए जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूज की गई है, वो एक ह्यूमन ब्रेन ने किया है, ओके? तो ह्यूमन इज नॉट अ पैसिव एजेंट, ह्यूमन एक पैसिव एजेंट नहीं है, ही इज रादर एन एक्टिव एजेंट। तो पॉसिबिलिज्म में ह्यूमन को एक एक्टिव एजेंट की तरह प्रेजेंट किया गया है, ओके? अब इसमें एक्चुअली मैन और एनवायरनमेंट के रिलेशन को अलग तरीके से बताया गया है, जिसमें मैन को एक एक्टिव एजेंट की तरह यूज किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू पॉसिबिलिज्म, ये जो अपने फिजिकल रिसोर्सेज हैं, जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, इसको एक यूजफुल एसेट के तौर पे कन्वर्ट करने में जो अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी लगा है, इसमें ह्यूमन बीइंग इज इन्वॉल्व, ओके? तो ये था पॉसिबिलिस्टिक लोगों का कहना। गॉट द पॉइंट? अब इनके कुछ स्कॉलर्स, सी लूशियन फेब्रे, ये जो थे लूशियन फेब्रे, ये एक फ्रेंच ज्योग्राफर थे। इन्होंने जो पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच है उसको प्रेजेंट किया था, कि एक ही रिसोर्सेस को ऑल्टरनेटली यूज कर सकते हैं ह्यूमन, एक ही रिसोर्सेस हैं उसके ऑल्टरनेट यूजेस, दैट दिस रिसोर्स कैन बी यूज लाइक दिस एंड एज वेल एज दिस। तो ये जो सारी चीजें हैं,
ये जो सिर्फ रिसोर्सेज हैं ये हमें ह्यूमन सॉरी इन्वायरमेंट ने प्रोवाइड की है, पर इसको किस तरीके से यूज करना है, दिस वॉज बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन बीइंग, ठीक है? उसने इस रिसोर्स को किस तरीके से यूज किया है ये उसके खुद के थॉट्स हैं। ये इसमें नेचुरल एनवायरनमेंट ने या फिजिकल एनवायरनमेंट ने उसे कंट्रोल नहीं किया, नेचर ने सिर्फ इतना किया है कि हमें रिसोर्स प्रोवाइड किया है। ओके, तो जो रिसोर्सेस को किस तरीके से यूज करना है ये उनकी टेक्नोलॉजी और कल्चर पे डिपेंड करता है। ओके, फेब्रे ने ये भी बोला दैट मैन जो है वो एक ज्योग्राफिकल एजेंट है और उसने काफी सारी चीजें कंट्रीब्यूट की है टू दिस एनवायरनमेंट, रिसोर्सेस दी है एनवायरनमेंट ने, पर जो उसका कंट्रीब्यूशन है इट इज नॉट नेग्लेजिबल, ठीक है? उसने पूरे रिसोर्सेस को इन्वेस्टिगेट किया है, ठीक है? उसके बाद में उन रिसोर्सेस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद में उस रिसोर्स के क्या-क्या यूजेस हो सकते हैं, ये सारी जो फाइंडिंग्स हैं ये किसने की है? ह्यूमन हिमसेल्फ, ठीक है? ये था फेब्रे का कहना। नेक्स्ट आते हैं अपने विडाल डी लाब्लास। विडाल डी लाब्लास की बुक है जेनेरे डीवी। तो इसमें उन्होंने बोला है कि फिजिकल एनवायरनमेंट इसमें सीरीज ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं, ओके, इसमें सीरीज ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें ह्यूमन ने डेवलप किया है। जैसे फिजिकल एनवायरनमेंट तो पहले भी जब अर्ली मैन थे तब भी वैसा ही था, तो अब ऐसा क्या हुआ कि है ना फिजिकल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपन ने इतना डेवलपमेंट कर लिया। तो ये जो फिजिकल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हैं ये सारे क्या हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन माइंड जो डेवलप हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये जो डेवलपमेंट है वो हुए हैं, और ये एक सीरीज में हुआ है। जैसे सबसे पहले अपन ने फायर देखी, फिर व्हील्स आए, फिर अपन एक सेटलर बन गए, एक जगह पे सेटल होके फार्मिंग और हर्डिंग करने लग गए। इस तरीके से धीरे धीरे अपना एवोल्यूशन हुआ। ओके, तो इसमें ह्यूमन ने एक की रोल प्ले किया है। ओके, ये था विडाल डी लाब्लास का कहना। और ये जो डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट हुआ है वो हुआ है रिसोर्सेस के अकॉर्डिंग। जो रिसोर्सेस अवेलेबल थी उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट हुआ है। अब लास्ट में आ जाते हैं अपन जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं डिटर्मिनिज्म के। सबसे पहले देखिए, पॉसिबिलिज्म ये नहीं मानता कि सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट ही एक एक्टिंग फैक्टर है, ह्यूमन एक एक्टिव एजेंट है, ये पॉसिबिलिज्म का कहना है। बट वो ये भी कहता है कि ह्यूमन जो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है वो उन्हीं रिसोर्सेज पे परफॉर्म कर सकता है जो फिजिकल एनवायरनमेंट उसे प्रोवाइड करता है, गॉट द पॉइंट? और वो भी एक लिमिट में, जैसे एक सेट बाउंड्री है उसके विद इन द लिमिट ह्यूमन अपने एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है, और जब भी वो बाउंड्री से बाहर जाने की कोशिश करता है, वी हैव प्रॉब्लम्स लाइक ग्लोबल वार्मिंग, CO2 इंक्रीज एटसेट्रा, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बट विद द साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो अपनी इन बाउंड्रीज को एक्सपेंड करता जा रहा है, ठीक है? यहां तक सबको समझ में आ गया? नाउ जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे डिटर्मिनिज्म में, तो वी हैव नियो डिटर्मिनिज्म। सी नियो डिटर्मिनिज्म ये जो कॉन्सेप्ट है इसने इसको रखा था ग्रिफिथ टेलर ने। ग्रिफिथ टेलर ने, ओके? तो उनके अकॉर्डिंग यूटिलाइजेशन मे नॉट बी रिलायबल,
यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज में नॉट बी रिलायबल ऑन द परसेप्शन अबाउट द रिसोर्सेज. ठीक है, कि आप इन रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करोगे, ये जो इन्वायरमेंट में जो अपने रिसोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं मैटर करता, बल्कि आप किस कम्युनिटी में रह रहे हो, किस सोसाइटी में रह रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका कल्चर परमिट करेगा उन रिसोर्सेज को आप उसी तरीके से यूटिलाइज कर सकोगे. ओके, ये था ग्रिफिथ टेलर का कहना कि अकॉर्डिंग टू कल्चर जो आपका सोशल स्ट्रक्चर है वो जिस चीज को परमिट करता है रिसोर्सेज में, उन्हीं चीजों को आप यूटिलाइज कर सकते हो. ये सिर्फ इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि आपके इन्वायरमेंट में क्या प्रेजेंट है और आपने उसे यूज कर लिया, आपकी सोसाइटी क्या परमिट करती है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना कल्चरल एंड सोशल डिटर्मिनिज्म. इसमें एडवर्ड उलमान है, जॉर्ज कार्टर है, ये सब इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं. इसमें इनके अकॉर्डिंग क्या है, अपने जो थॉट्स हैं ये अपना एक्ट डिटरमाइन करते हैं कि अपन कैसे एक्ट करेंगे. ओके, और जो एक्ट है वो ये डिटरमाइन करेगा कि अपन नेचर को किस तरीके से परसीव करेंगे और उसे किस तरीके से यूज करेंगे. लेट्स से मेरे पास एक पेड़ है, एक तो है ए और एक है बी, ये दो लोग हैं, दो दोस्त हैं. ए बहुत ही एग्रेसिव टाइप का है और बी मतलब ये मिलनसार है. ओके, फ्रेंडली. तो ए क्या देखेगा इस ट्री में, ए के थॉट्स में हमेशा क्या रहेगा, एंगर, फाइटिंग, ये सारी चीजें. उसी अकॉर्डिंग वो एक्ट करेगा, फाइट करेगा. ओके, अब फाइट के लिए क्या है, नेचर में उसे ट्री दिख रहा है तो ट्री की ब्रांचेस को वो यूज करेगा एज अ टूल या फिर एज अ वेपन टू फाइट विद द पीपल. ओके, ये उसके कंसेप्ट हो गए, ये उसके थॉट्स हो गए. नाउ देन वी हैव बी. बी के थॉट्स क्या है, फ्रेंडली थॉट्स हैं, इस वजह से वो सबको कुछ देने की कोशिश करेगा, सबको खुश रखने की कोशिश करेगा. ओके, तो वो नेचर में क्या देखेगा, अगर जैसे ट्री है इस पे मैंगोज उग रहे हैं तो वो उन मैंगोज को कलेक्ट करेगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा लोगों में. ओके, तो ये हो गया आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपके जो एक्ट्स हैं या फिर आपके थॉट के अकॉर्डिंग आपके एक्ट्स डिटरमाइन होते हैं, और उन्हीं एक्ट्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि आप नेचर को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो. ठीक है, समझ में आ गया. नाउ लास्टली अपने पास आता है साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म. साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म ये एक्चुअली एक थियोलॉजिकल सोसाइटी का पार्ट है, थियोलॉजिकल स्कूल का पार्ट है. थियोलॉजिकल स्कूल मतलब थियोलॉजी एक्चुअली ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें जिसके अकॉर्डिंग किसी भी चीज का क्रिएशन जो हुआ है वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए हुआ है. कि जैसे कई लोग बोलते हैं ना, तुम्हारा जन्म हुआ है तो कुछ ना कुछ पर्पस होगा आपका लाइफ में. ओके, उस पर्पस को फुलफिल करना है आपको. ये जो सारी चीजें हैं ये थियोलॉजिकल स्टडी में की जाती हैं. ओके, तो ये एडवोकेट करती है एक एक आइडिया को कि जो अर्थ है वो उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो ह्यूमन स्पीशीज के लिए एकदम बेस्ट फिट हो. ठीक है, तो ह्यूमन स्पीशीज को जो भी चाहिए वो सब इस एनवायरनमेंट में प्रोवाइडेड हो. ठीक है, इस तरीके से इस अर्थ को क्रिएट किया गया है अकॉर्डिंग टू देम. तो इसमें अपने थॉमस मैल्थस हैं, ये एक स्कॉलर हैं ऑफ द साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म. उनके अकॉर्डिंग इम्फेसिस सिर्फ इस बात पे नहीं है कि क्या इन्फ्लुएंस करता है डिफरेंट एनवायरनमेंट में या फिर डिफरेंट एनवायरनमेंट अपने को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, बट इस बात पे भी है कि क्या लिमिटेशंस है अपनी जो अर्थ अपने पे इम्पोज करती है, सोशल डेवलपमेंट पे इम्पोज करती है. जैसे आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, अगर आप अंडरग्राउंड जाओगे तो काफी ज्यादा रिसोर्सेज हैं. तो सबसे पहले तो टेम्परेचर इतना ज्यादा है. ओके,
कि अभी अपने पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके बाद अगर आप इतनी ग्रेटर डेप्थ में जाते हो तो आप प्लेट्स को ट्रिगर करोगे, आप एक हॉटस्पॉट बना दोगे यहाँ पे, जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स आएंगे, वॉल्केनोज इरप्ट होंगे। तो ये सारी चीजें, ये अपनी लिमिटेशंस, जो अपना फिजिकल एनवायरनमेंट है वो एक तरीके से लिमिटेशन खुद ही सेट कर देता है अपने लिए। ओके, इसी में ग्रेफिट टेलर ने भी अपना कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट आता है अपना इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की आपको बेस्ट एग्जाम्पल मिलेंगी सैंपल एंड हटिंगटन। ओके, ये दोनों इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के बेस्ट प्रोपोनेंट हैं, और ये 20th सेंचुरी में इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म पॉपुलर हुआ था बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटलिस्टिक अप्रोच ड्यूरिंग दिस टाइम। क्या है, इस टाइम बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन अचानक से बढ़ा था, दैट इज़ वाई जो इन्वायरमेंटल जो ग्रुप थे वो इस टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए थे। ओके, तो एलन चर्चिल सैंपल, एल्सवर्थ, हटिंगटन, ये इसके मेन प्रोपोनेंट है। तो सैंपल क्या है, ये एक अमेरिकन हिस्टोरियन है, वो सॉरी उन्होंने ये एक ज्योग्राफर है, इन्होंने बुक्स लिखी है अमेरिकन हिस्ट्री एंड इट्स ज्योग्राफिकल कंडीशन, देन इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट, ये इनकी बुक्स हैं। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, जो मैन है वो प्रोडक्ट ऑफ नेचर है, वो एक स्लेव है नेचर का। ठीक है, जो भी जो एनवायरनमेंट है, जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, उसने उसे कुछ टास्क प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, उन टास्क को वो कंप्लीट करता है और वो आगे बढ़ता है, फिर जगह जगह पे उसके लिए टास्क है। ये अपना डेवलपमेंट हुआ और अपन ने इस टास्क को कंप्लीट किया, फिर डेवलप करेंगे, फिर ये टास्क को कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से जो एनवायरनमेंट है, जो अपनी फिजिकल एनवायरनमेंट है, जो अर्थ है, उसने अपने को अलग अलग टास्क प्रोवाइड कर रखे हैं ह्यूमंस को। तो ह्यूमन का जो काम है वो इन टास्क को कंप्लीट करना है एज अ स्लेव ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू सैंपल। हटिंगटन भी, इन्होंने भी ये कॉन्सेप्ट दिया था, और इनकी मेन बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये इनकी मेन बुक्स है। तो ये था एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ये हो गए अपने जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट थे ऑफ डिटर्मिनिज्म। विद दिस अपना लेक्चर कंप्लीट होता है। एनी क्वेश्चंस गाइज, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस, कोई प्रॉब्लम आई आपको इस लेक्चर में, कोई रिव्यू देना है आपको, यू कैन प्लीज गिव इट। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, एवरीथिंग यू कैन कमेंट इन इट, आप अपना फीडबैक दीजिए, यू हैव टाइम। तो अपन अपना लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन। आप मुझे कमेंट्स में अपने सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बता सकते हैं, वॉट ऑल प्रॉब्लम्स यू फेस्ड, या फिर आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आया हो तो। टुमारो एट 10 AM वी विल मीट अगेन। ओके, यही लाइव स्ट्रीम होगा अपना। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।